नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक सिंह पुंडीर, आज आपका फिर से वेलकम करता हूँ वीएसपी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, नेक्सन आज वीडियो बनने जा रही है नेक्सन बेस वेरिएंट के बारे में। तो ये जो वेरिएंट है दोस्तों, ये वाला जो वेरिएंट है बहुत ही कम देखने को मिलता है। इवन अगर आप इसको कहीं से बुक भी करते हैं इस गाड़ी को, बेस वेरिएंट को, तो इस पे कम से कम 8-8 महीने का वेटिंग पीरियड मिलता है। तो ये जो गाड़ी है, ये वाला जो वेरिएंट है, टाटा में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता है एंड सबसे ज़्यादा इस पे वेटिंग पीरियड हाई भी रहता है। और इस वेरिएंट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि इस बेस वेरिएंट को लेते हैं, देन उसके बाद उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। ये वेरिएंट बेसिकली उन लोगों के लिए है, एंड सेकंड उन लोगों के लिए भी है जो कि गाड़ी लेना चाहते हैं, जो कि ढूंढ रहे हैं एक एसयूवी जो कि एक बहुत अच्छे प्राइस में आ जाए। और इसका जो भी ऑन रोड की बात की जाए, ये 8,78,900 की अभी आपको पड़ती है इन देहरादून उत्तराखंड। एंड आज डेट है 28 अगस्त 2022 का प्राइसिंग है ये। एंड अगर इसके एक्स शोरूम की बात की जाए तो एक्स शोरूम पड़ता है आपको 7,59,900। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलता है बेस वेरिएंट में। देखिए, अगर फ्रंट से बात की जाए तो फ्रंट में आपको मिल जाते हैं इसमें एली, इसमें आपको मिल जाते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प प्लस DRL। तो DRL मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से इसके ऑन होते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत DRL इसमें दिए हैं टाटा ने। इवन बेस, अगर आप किसी भी वेरिएंट में जाते हैं या किसी भी कंपनी की गाड़ी में जाते हैं, कोई भी आपको स्टार्टिंग मॉडल बेस वेरिएंट से DRL नहीं देता, बट टाटा ने अपने बेस वेरिएंट से ही अपनी गाड़ी में DRL ऐड किए गए हैं। एंड इसकी बात की जाए, इसमें आपका जो है 16 इंच के स्टील व्हील्स आते हैं, और ये 16 इंच के जो स्टील व्हील्स हैं ना, इतने बुरे भी नहीं लगते देखने में। हाँ, बट ये है कि अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसको, थोड़ा सा और लुक इसका निकल के आ जाता है। इसमें आपको हैंडल्स इसमें आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे, प्लस ORVM इसमें आपका मैट ब्लैक फिनिश में आ जाएगा। एंड अगर हम इंटीरियर की बात करें तो फुल्ली डिजिटल इसमें आपका जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें आपको, मैं इसमें की दिखा देता हूँ, की कुछ इस तरीके की मिलती है आपको नॉर्मल की, प्लस सेंटर लॉकिंग इसमें रहेगा। बट हाँ, इसमें आपका लॉक एंड अनलॉक का बटन नहीं मिलता है गाड़ी में। अगर आप बाहर से सेंटर लॉकिंग लगाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं। एंड देखिए, मैं इसको आपको मीटर दिखाता हूँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इतना खूबसूरत सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, कम्प्लीटली डिजिटल रहे। मतलब टाटा ने जो है ना, अपना स्टार्टिंग वेरिएंट में भी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करवा दे। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसमें कि आपका 3 मोड्स आ जाएंगे इसमें, सिटी, इको एंड स्पोर्ट्स मोड जाता है। प्लस इसमें आपका गियर इंडिकेटर भी आ जाएगा, गियर इंडिकेटर के साथ साथ इसमें आपका जो RPM मीटर रहेगा, इंजन स्पीड जो आपका शो करता है, एंड वो कम्प्लीटली डिजिटल आ जाएगा। प्लस आपका डोर अनलॉक, लॉक एंड अनलॉक का जो है आपका जो इंडिकेशन भी दिखाता है। साथ ही साथ ये जो गाड़ी आपकी आती है 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। हाँ, अगर आप ऑटोमेटिक में जाना चाहते हैं तो आपका XC मतलब बेस वेरिएंट से स्टार्ट नहीं होता, वो फिर आपका XM वेरिएंट से स्टार्ट होता है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा इसमें नोब दिया हुआ है जिसमें कि आपका सिटी, इको एंड स्पोर्ट्स मोड गाड़ी में आ जाता है। देखिए, 1200 cc का गाड़ी का इंजन है एंड प्लस टर्बो के साथ आता है। 120 bhp गाड़ी जो है आपका पावर प्रोड्यूस करती है। अगर टॉर्क की बात की जाए तो टॉर्क जो है गाड़ी का 170 Nm का टॉर्क गाड़ी टॉर्क प्रोड्यूस करती है, मतलब जो ठीक ठाक, मतलब बहुत अच्छा टॉर्क है अगर देखा जाए इसके सेगमेंट में। 170 Nm का टॉर्क और 120 bhp का पावर, मतलब ये है कि आपको कहीं पे भी गाड़ी ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पे भी, चाहे आप पहाड़ में चलाओ चाहे सिटी में चलाओ, कहीं पे भी गाड़ी आपकी लैक नहीं होती, कहीं पे भी आपका अंडर पावर गाड़ी आपकी फील नहीं होगी। और जो बेस वेरिएंट है उसमें आपका म्यूजिक सिस्टम आता नहीं है, म्यूजिक सिस्टम आप अपने हिसाब से लगवा सकते हैं। एंड की बात की जाए, ये आपका जो है बैक में जो स्पेस आ जाता है, अच्छा खासा स्पेस है। मतलब अगर आप, मतलब पीछे जो है आपके आराम से जो 3 लोग हैं वो आराम से बैठ सकते हैं। आइए इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको। तो ये आ गया हमारा टाटा नेक्सन का बूट स्पेस। ये बूट स्पेस 363 लीटर का है, तो बेहतरीन बूट स्पेस देती है टाटा। इस बूट स्पेस के साथ चाहे आप टूरिंग कीजिए, चाहे डेली कम्यूट कीजिए, आपको, मुझे नहीं लगता ये बूट स्पेस कम पड़ने वाला है, चाहे आप कहीं पर भी जाइए। एंड बहुत ही बेहतरीन बूट स्पेस है 363 लीटर का।
और गाड़ी का आप पीछे से लुक देख सकते हैं। पीछे से तो यार कई लोगों को इसका लुक पसंद आता है, कई लोगों को नहीं आता, बट पर्सनली मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और पीछे भी जो है आपका, अब देखिए इसमें बेसिकली जो बेस वेरिएंट, तो बेस वेरिएंट में क्या चीज़ जो इसमें टाटा प्रोवाइड करता है, इसमें आपका जो पावर विंडो जो है ओनली फ्रंट का ही रहेगा, आपका फ्रंट का ही पावर विंडो रहेगा, और बाकी जो है आपका जो है जो बैक का है, बैक का जो है आपका मैनुअल आ जाएगा। मैनुअल का ये आपका नोब आ गया रोटेट करने का। बाकी आप देखेंगे तो टाटा ने जो है दोस्तों अपना लोहा साबित किया है सब जगह, और 5-स्टार रेटिंग है आपका ग्लोबल एनकैप में गाड़ी। और सेफ्टी की बात की जाए, सेफ्टी ABS, EBD, ड्यूल एयर बैग्स, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम, एंड इसमें आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन सिस्टम, प्लस हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, साथ ही साथ इसमें आपका इलेक्ट्रिक ब्रेक असिस्ट, और आपका जो है डिस्क वाइपिंग का भी इसमें बेहतरीन फीचर मिलता है। और जैसे कि हम जानते हैं टाटा अपनी सभी गाड़ियों के साथ पंचर रिपेयर किट भी देता है, और इलेक्ट्रिक टायर इन्फ्लेटर आपको फ्री आपको कंपनी प्रोवाइड करती है अपने हर एक मॉडल के साथ में। बाकी आप देखेंगे टाटा ने काफ़ी दमदार गाड़ी बनाई है, यही कारण है आज की डेट में इस टाटा का बेस वेरिएंट का 6 से 8 महीने का वेटिंग पीरियड रहता है। और नॉर्मली अगर आप XMS में जाएंगे या XZ प्लस या XZ प्लस HS वेरिएंट में जाएंगे तो उसमें जो आपका जो वेटिंग पीरियड रहता है 4 से 5 महीने का रहता है, एंड XZ प्लस A प्लस या फिर आप जो है जैसे काजीरंगा एडिशन या डार्क एडिशन में जाते हैं जो XZ A प्लस और XZ प्लस में भी आता है, उनका जो वेटिंग पीरियड रहता है आपका तकरीबन 2 से 3 महीने का वेटिंग पीरियड रहता है गाड़ी का। तो ये वाला जो वेरिएंट है ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। मैं तो उन सभी लोगों को ये गाड़ी सजेस्ट करना चाहूँगा जो कि जिन लोगों का जो बजट हो 8 लाख के आसपास का अगर बजट है, 8 से 9 लाख का बजट है, तो ये गाड़ी बहुत बेहतरीन है उस सेगमेंट में। आपको 120 BHP का पावर मिल रहा है और आपको 170 Nm का टॉर्क है। भाई आप ही बताओ कौन देता है इतना ज़्यादा टॉर्क और इतना ज़्यादा पावर। और सबसे बढ़िया जो इस गाड़ी की मुझे जो चीज़ लगती है ये लगता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों, 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का। मतलब गाड़ी को आप लो और गाड़ी को लेकर चले जाओ कहीं पर भी, चाहे लद्दाख में लेकर जाओ, चाहे किसी हिल स्टेशन में लेकर जाओ, कहीं भी आपको दोस्तों ये गाड़ी निराश नहीं करने वाली। और बेस मॉडल लो और बेस मॉडल लेके उसको अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई करो, आप चाहे अलॉय व्हील्स लगवाओ, चाहे या इसके जो आपके स्टील व्हील्स उनको ब्लैक करवा दो, ये गाड़ी एकदम बेहतरीन लगती है दोस्तों। मैं इसी तरीके से वीडियोस बनाता हूँ, और आपकी कोई इंक्वायरी हो टाटा की गाड़ी को लेकर या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूंगा। इवन आप कमेंट में भी मेरे से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, गाड़ी का प्राइस जानना चाहें, या फिर गाड़ी की कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके कॉम्पिटिशन के बारे में जानना चाहें, या कुछ भी जानना चाहें, तो आप मुझे बेहिचक करके होके या तो कॉल कीजिए या कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इसी तरीके की अगर वीडियोस आप पसंद करते हैं लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।